हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक इंडियनाइज्ड वर्जन टर्किश ब्रेड का, जिसे कहा जाता है पीरे। ये मीट के साथ बनाया जाता है या फिर बाबा गनोश के साथ बनाया जाता है, लेकिन हम देखेंगे बाबा गनोश का थोड़ा सा इंडियनाइज्ड वर्जन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए ले आधा कप गुनगुना पानी और उसमें डाले 2 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर ले जब तक कि वो घुल ना जाए। पानी गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर डाले 1.5 टीस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट और इसे 5 से 7 सेकंड मिला ले। इसके बाद ढककर इसे रख दे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। अब एक बोल में ले 1.5 कप मैदा और डाले थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद डाले एक्टिवेटेड यीस्ट। यीस्ट इस तरह से अच्छे से एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट ना हो, इस तरह से आपको बबल्स ना दिखे, मतलब आपका यीस्ट खराब हो चुका है। अगर आप रेसिपी में यूज करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अच्छे से यीस्ट को और आटे को मिला ले और उसके बाद डाले पानी और मीडियम सॉफ्ट आटा लगा ले। अब इस मैदे को आपने अच्छे से गूंदना है 10 मिनट के लिए इस तरह से। इससे जो आपका ब्रेड का टेक्सचर है ये अच्छा आएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इसे डाले एक बोल में, थोड़ा सा तेल लगा ले और ढककर रखे ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। तो इसे डबल हो जाना चाहिए, 1 से 2 घंटे या मौसम के हिसाब से इसे टाइम लगेगा। अब बना लेते हैं देसी बाबा गनोश यानी बैंगन का भरता। इसके लिए जाली रखे आप गैस पर और एक बड़े साइज का बैंगन और 2 टमाटर को अच्छी तरह से सेक ले, बिल्कुल जैसे हम अपने बैंगन के भरते के लिए करते हैं। पलट पलट कर मीडियम आंच पर आप बैंगन और टमाटर को सेक ले। ये देखिए, टमाटर डांस कर रहा है अपने आप। टमाटर बैंगन के मुकाबले जल्दी पक जाएंगे, तो जैसे ये पूरी तरह से पक जाए इन्हें निकाल ले और बैंगन को अच्छी तरह से पकने दें। ये बैंगन भी अच्छे से पक गया है। अब हम इनका छिलका निकालेंगे। छिलका निकालते समय अगर आपको लग रहा है कि ये जो छिलका है बहुत ज्यादा उंगलियों पर चिपक रहा है, तो अपनी उंगलियों को आप पानी में डुबोएं और उसके बाद ही छिलका निकाल लें। बैंगन के ऊपर का छिलका और साथ ही में टमाटर का भी निकाल लें। टमाटर भी काफी हद तक नरम हो जाएंगे, तो आप सबसे पहले तो बैंगन में देखें कि कोई कीड़ा है या नहीं। बैंगन में कीड़ा देखना एक बहुत जरूरी स्टेप है। डायरेक्टली इसे मैश ना करें, फिर आप किसी भी प्रकार के बैंगन की रेसिपी को बना रहे हो। बैंगन अगर सेफ है, इसके बाद इसे मैश कर ले। आप इस तरह से एक फोक से मैश कर सकते हैं और टमाटर को भी मैश कर ले। अगर आपको लग रहा है कि आपका टमाटर बहुत ज्यादा गला नहीं है, आपको मैश करने में परेशानी हो रही है, तो आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। बैंगन को, टमाटर को इस तरह से रोस्ट करने से काफी अच्छा स्मोकी फ्लेवर मिलता है। काफी सारे लोग जो लहसुन की कलियां होती है, मिर्ची होती है, वो भी बैंगन में डालते हैं। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब कढ़ाई में डाले लगभग 2 से 3 टीस्पून तेल, या फिर थोड़ा ज्यादा भी आप डाल सकते हैं। फिर डाले 1/2 टीस्पून जीरा, एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, मोटा या फिर मीडियम कटा हुआ प्याज। इसे हल्का सा भून ले और फिर डाले अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन। इसे फ्राई करें लगभग 1 मिनट। फिर डाले हरी मिर्च, एक हरी मिर्च डाले चीरा लगाकर, बहुत अच्छा स्वाद आता है। हरी मिर्च और लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी सी हल्दी डालें और धीमी आंच पर 5 से 7 सेकंड तक भून लें। उसके बाद डाले गला हुआ टमाटर, गला यानी रोस्ट करके हमने जो मैश किया था, और लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। फीकी वाली डाल रहे हैं, कलर जिसमें ज्यादा आता है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर डाले बैंगन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सबको अच्छे से मिला लें। ये है हमारा बैंगन का भरता, यानी हमारा देसी टेस्टी चटपटा बाबा गनोश, जिसे हम यूज करने वाले हैं पीरे ब्रेड पर। अब आटा भी हमारा फूल गया है, डबल हो गया है, तो इसे हमें अब एक बार फिर से गूंदना है लगभग 1 मिनट के लिए। इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। हमारा जो अवन है ये बड़ा है, इसलिए मैं 2 बड़े ब्रेड बना रही हूँ। आप चाहें तो 3 मीडियम साइज के ब्रेड भी बना सकते हैं। हमें इस लोई को पराठे की थिकनेस का, पराठे की मोटाई का बेलना है और इसे लंबा लंबा बेलना है, मतलब गोल रोटी की तरह नहीं बेलना है। तो इस तरह से बेलने के बाद आप इसे अपनी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। अब इस पर लगाए चटपटा बैंगन, यानी हमारा बाबा गनोश देसी स्टाइल वाला बैंगन का भरता।
अब साइड से इस तरह से आप इसे फोल्ड कर दें। टर्किश पीड़े काफी अलग तरीके से बनाया जाता है, इसमें मीट भी डाला जाता है, चीज भी डाला जाता है, अंडा भी डाला जाता है और बैंगन का भी ये बनाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा इंडियनाइज्ड बैंगन वाला वर्जन दिखा रही हूँ। जो इसकी एंड्स हैं, जो किनारे हैं, इसे इस तरह से आप दबा लें। अगर ये चिपक नहीं रही है तो आप थोड़ा पानी लगा सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं जो दूसरा वाला ब्रेड है ये भी बना रही हूँ। इस वाली ब्रेड पर मैं थोड़ा सा चीज भी डालने वाली हूँ। वैसे आप चाहें तो पिज्जा वाली टॉपिंग्स भी इसमें डाल सकते हैं, पर क्योंकि ये बैंगन के साथ भी बनाया जाता है मैं उसी तरीके से इसे बना रही हूँ। थोड़ा सा मोत्सरेला चीज या फिर आप प्रोसेस चीज भी इस पर डाल सकते हैं। ये ब्रेड काफी टेस्टी लगता है, मतलब ये मत सोचिए कि बैंगन इस पर जा रहा है कैसा लगेगा। चटपटा टेस्टी वाला बैंगन का भरता बनाएं और उससे ये ब्रेड बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट कमाल का लगता है। अब ऊपर से लगा ले थोड़ा सा दूध और अब हम इसे बेक करेंगे अपने अवन में। जब तक आप बैंगन पर दूध लगा रहे हैं, अवन को प्रीहीट कर लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए और उसके बाद इस ब्रेड को आप 10 से 12 मिनट तक पकाएं। क्योंकि हमने इसे बहुत मोटा नहीं बेला है, ये 10 से 12 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। कढ़ाई वाले इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको पीछे स्क्रीन पर दे दिए हैं। अब थोड़ा सा बटर लगा रहे जब ये ब्रेड गर्म है। बटर लगाने से इसमें एक चमक आएगी, ब्रेड को अच्छा स्वाद भी मिलेगा। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। आखिर में सर्व करने से पहले डालें थोड़ा सा धनिया। हाँ, धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत ही मजेदार ये ब्रेड लगती है। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, बड़ी मजेदार लगती है। अब इसे खाने से पहले आपको स्लाइस तो करना होगा, ब्रेड काफी बड़ी है तो ऐसी की ऐसी उठाकर तो आप खा नहीं सकते। तो जिस तरह से हम पिज्जा को कट करते हैं, इसे भी वैसे ही कट करना है। पिज्जा कटर के मुकाबले चाकू से ज्यादा आसानी होगी इसे कट करने में। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और सर्व करने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। चटपटी इंडियनाइज्ड बाबा गनोश वाली, मतलब हमारे टेस्ट को सूट करने वाले बाबा गनोश के साथ बनाई हुई ये टर्किश पीरे ब्रेड जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को ट्राई करें एंड एंजॉय।